जय श्री राम। प्यारे बच्चों नमस्कार। अभी इस वीडियो में हम 10 डिवाइडेड बाय 3 कैलकुलेट करना सीखेंगे, यानी 10 डिवाइड 3 या 10/3। बिल्कुल आसान है, आप फर्स्ट टाइम देखेंगे ऐसा वीडियो, इतना सिंपल है। मैं हूँ सुरेंद्र किलेरी। देखिए, हमें किस में डिवाइड करना है, जो भाग के चिन्ह के पहले लिखी हुई संख्या, इसको यहाँ पहले बीच में लिखना है। किसका डिवाइड करना है बाद लिखी हुई संख्या का, देखिए उल्टा फुल्टा नहीं होना चाहिए, ये बात ध्यान रखें। इस वाले को यहाँ लिख दिया और यहाँ वाले को यहाँ लिख दिया तो सारा मामला गलत हो जाएगा। किस में डिवाइड करना था, 10 में डिवाइड करना था, और उल्टा होते हम किस में डिवाइड कर देंगे, 3 में डिवाइड कर देंगे। समझ गए होंगे मेरी बात। कभी कभार ऐसी गलतियाँ मैं देखता हूँ, बच्चे ऐसी गलतियाँ करते हैं, इसीलिए ध्यान से देखो। भाग के चिन्ह के पहले भी लिखी हुई संख्या में डिवाइड करना है, ऐसे खुद से क्वेश्चन पूछो। किसका डिवाइड करना है बाद लिखी हुई संख्या का, ये हो गया स्टेप फर्स्ट। स्टेप टू में हम क्या करेंगे देखेंगे। ये एक अंक लेकर देखा, ये एक अंक की संख्या, तो एक अंक को लेकर तुलना करेंगे। अब हम 3 का भाग दे रहे हैं, तो 3 का भाग कब दे पाएंगे, जब दी गई संख्या क्या हो, 3 से बड़ी या 3 के बराबर, ठीक है, तभी हम भाग दे पाएंगे। जब यहाँ एक अंक को लिया, कितना है, 1, जो क्या है, 3 से बड़ा नहीं है, 3 से छोटा है, यानी हम 3 को भाग 1 में नहीं दे पाएंगे। यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करें, एक अंक और शामिल कर लें। अब ये कितना बन गया, 10। 10 क्या है, 3 से बड़ा, यानी हम 3 का भाग दे सकते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेप थर्ड क्या करना है, 3 का पहाड़ा बोलना है। 3 का पहाड़ा हम कितनी बार बोले हैं कि हमें 10 से बड़ा ना मिले, 1 3 3 5 3 6 3 3 9 4 3 12, 4 बार बोला 10 से बड़ा आ गया, 3 बार बोला 10 से बड़ा नहीं है, कितना आ रहा है, 9, फिर घटाया, फिर 1 आ गया। अब क्या करें, बिल्कुल आसान है, या तो इसको सेंस फॉल बोल दो, या हम आगे डिवाइड करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और उसके बाद यहाँ 0 लिखेंगे। देखिए जितनी बार पहाड़ा बोला उतनी बार भाग चला गया, पहाड़ा बोलने पे जो संख्या आ रही है इसको हम कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, फिर क्या करते हैं उसको घटाते हैं, घटाते ही कितना आ गया, 1, और यहाँ ऊपर हमारे पास कोई अंक नहीं बचा हुआ है और हम आगे डिवाइड करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट लगाते ही हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 1 0 लिख सकते हैं। अब ये फिर कितना, 10 बन गया, तो फिर आपका 3 बार चला गया, फिर कितना आ गया, 9 बार, फिर घटाया, फिर 1 आ गया, घटाते ही हम पॉइंट लगा रखे हैं तो 1 0 लिख देंगे। ऐसे करके ये अब आपका आगे चलता रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसको तो हम क्या कहते हैं, पीछे जो बचता है उसको सेंसफुल कहा जाता है। और ये जो हमने लिखा है ये आपका क्या है, भागफल है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 10 डिवाइडेड बाय 3 को कैलकुलेट करना सीखा, और इसको ऐसे भी लिख सकते हुए हैं, 10 किस में डिवाइड करना है, 10 में, तो इसको ऊपर लिखेंगे। किसका डिवाइड करना है, 3 का, तो इसको नीचे लिखेंगे,